जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए साइंस के 35 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए देखते हैं आप लोग कितने प्रश्नों का सही सही आंसर कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताना है, ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो देखिए दोस्तों, अमीबा जो है अपना भोजन कूटपात द्वारा पकड़ता है। तो सही आंसर है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो दोस्तों, दूसरे प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, लाइपेज एंजाइम ये वसा पर क्रिया करता है। तीसरा प्रश्न है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिए। तो दोस्तों, तीसरे प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन, वायवीय शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। चौथा प्रश्न है, मछली का श्वसन अंग कौन सा है। तो चौथे प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, गिल्स जो है ये मछली का श्वसन अंग है। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्ती फलन होते हैं। बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, चलिए आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। छठा प्रश्न है, निम्न में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो दोस्तों, छठे प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। और इस प्रश्न पर भी आप सभी मार्क कर लें, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। चलिए आप सभी साथ के लिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, सही आंसर है ए ऑप्शन, आवर्त कहलाती है। आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त है, और समूह की बात करें तो टोटल 18 ग्रुप यानी कि समूह है। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो दोस्तों, सही आंसर है बी ऑप्शन, सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है। और दोस्तों, आप सभी को सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, चूने के पानी को दुधिया कर देता है। अगला प्रश्न है, टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताइए। तो आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, टार्ट्रिक अम्ल जो है ये इमली में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। देखिए दोस्तों, जिंक और क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, इसकी अभिक्रिया से क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा ZnSO4 और प्लस H2। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन माना गया है। विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है। तो दोस्तों, 12वें प्रश्न का आंसर है ओम मीटर, ये विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है, और प्रतिरोध का पूछे तो केवल ओम। निम्नलिखित में से कौन
विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप सभी मार्क कर लें। तो अभी याद कर लीजिए, सिल्वर यानी कि चांदी जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑस्टेंड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, इस प्रश्न पर आप सभी डबल ट्रिपल स्टार लगा लें, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर, और जनरेटर पूछे तो जस्ट उल्टा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो, याद रखिएगा, जिसको बोला जाता है विद्युत जनित्र। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं क्या कहलाते हैं? सोच समझकर आंसर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एल्काइन कहलाते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, नेफ्रॉन जो है ये वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वृक्क जो है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। रक्त का पीएच मान पूछा जाता है 7.4 होता है। एंड्रीजन क्या है? तो दोस्तों एंड्रीजन जो है ये एक प्रकार का लिंग हार्मोन है। कैसा? नर लिंग हार्मोन है। आगे देखिए, अम्ल का पीएच मान होता है? चलिए इस प्रश्न को आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। देखिए ये है पीएच स्केल, और इसमें 0 से लेकर 14 तक नंबर होता है और बीच में 7 रहता है। देखिए दोस्तों, जिस भी विलयन का पीएच मान 7 होता है वो विलयन होता है न्यूट्रल यानी कि उदासीन, और 7 से अधिक हो तो वो होता है क्षारीय, और 7 से कम हो तो वो होता है अम्लीय। तो अम्ल का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा, 7 से अधिक जिस भी विलयन का होगा वो क्षारीय होगा, और 7 उदासीन होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 7 से कम। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए दोस्तों, आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है, अस्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। निम्न में से कौन सी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? और दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन का नाम है, याद रखिएगा, एंड्रोजन। आगे देखिए, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? दोस्तों आपको एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अमीबा में अलैंगिक जनन जो है ये होता है विखंडन विधि द्वारा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? चलिए 24 के लिए आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, अंडाशय। फूल का जो अंडाशय भाग होता है वो फल में बदलता है। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया, ये भाग रंगीन होता है। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण यानी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है। तो वायुमंडल में नीला रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। प्रकाश की किस घटना के कारण
सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो दोस्तों इस प्रश्न को याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट रहेगा। ये है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है, तो सबसे पहले ए ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि दिष्ट धारा तो कभी होगा नहीं, तो ए और बी दोनों खत्म। 12 वोल्ट भी नहीं होता है, बचा आपका सी यानी 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। आगे देखिए, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। ऐसे तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम, लेकिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका यूरेनियम, और सबसे हल्की है लिथियम। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 4। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा हार्मोन। हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा डार्विन, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात माध्यम में होती है, यानी कि शून्य माध्यम। कितना? तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। विभवांतर का SI मात्रक क्या है? तो देखिए दोस्तों, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। आखिरी प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? और ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं।